जो भी लेना है हम अपनी अभ्यर्थि दो माध्यम से करते हैं, एक मौखिक अभ्यर्थि होती है और दूसरी लिखित अभ्यर्थि होती है। और यदि बच्चों में चौथी स्किल का डेवलपमेंट हो जाए तो भाषा शिक्षण में पूर्ण माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारी अभिवृत्ति है, मुख्यतः मौखिक अभ्यर्थि जो हम बोलते हैं, लिखित अभ्यर्थि जब हम अपने विचारों को लेकर के प्रस्तुत करते हैं। तीन प्रकार के लेखन कौशल में है, नंबर वन हमारा फर्स्ट जो है वह है स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन कुछ भी स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए आया। दूसरा है कौशल आधारित, जिसमें हम वर्णों, शब्दों और वाक्यों को लिखना सिखाते हैं। और नंबर तीन है पाठ आधारित लेखन। आज हम अपनी इस प्रस्तुति करेंगे अपने साथियों के साथ पाठ आधारित लेखन के बारे में एक प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, जो कि कक्षा दो शब्दार आत्मा और देवदर्श का है। कक्षा दो में एक पाठ है आना मेरे गांव। जिस तरह से कक्षा में प्रस्तुत करेंगे उस तरह से हम प्रस्तुतिकरण का रूप ले रहे हैं। सबसे पहले हम मौखिक रूप से अपनी कक्षा में बच्चों के सामने पाठ को प्रस्तुत करेंगे। आप सभी साथ एक प्रशाले में हमारे सभी साथियों के साथ कोयल बोले बिल्ली करके बताइए।
रहा है दबा बंधा में पानी मछली जल की रानी है पढ़वा के पानी के आगे से बढ़ोवर बन रहा अब इस तरह से हम पहले से कुछ लोगों को कुछ तरीके कक्षा में अपने बच्चों के साथ अपना कार्य करा सकते हैं तो देखते हैं गाड़ी चलाने के लिए